हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज लाए हैं हम टी टाइम स्नैक्स। तो बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है, कुछ ही सेकंड्स में बन जाता है। ये है हमारे केले की भजिया, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। बाहर से है क्रंची और अंदर से है सॉफ्ट। तो फटाफट इसको ट्राई कर लेते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कच्चे केले की भजिया बना रहे हैं, तो उसके लिए केले ले ले रहे हैं। जितनी भी हमें भजिया तैयार करनी है, तो इसको हम ये बाद में कट करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो बैटर है वो तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है बेसन, जिसको मैंने छान लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर ले रहे हैं थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं, एक चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, और 1/4 स्पून डालेंगे हम यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, और एक छोटी चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। साथ में हमने 1 स्पून लिया है छोटी वाली, ये मैंने अजवाइन लिया, जिसको क्रश करेंगे और इसको भी हम डाल देते हैं। इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कस्तूरी मेथी ले ले रहे हैं, और इसको भी हम क्रश करेंगे अच्छे से। और क्रश करने के बाद इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद जाएगा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में जाता है इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस। तो हम नींबू ले ले रहे हैं और उसका थोड़ा सा हम इसमें जूस ऐड कर देते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अगर आप लेमन जूस ना ऐड करें, तो आप इसमें जो हमारा अमचूर पाउडर होता है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रहे इसमें लम्स ना हो, यानी गांठें ना पड़े, और जो घोल है वो गाढ़ा ही तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बैटर है वो गाढ़ा सा तैयार हो गया है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। स्पून पे आप इस तरीके से देख लीजिए। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अगर हम इसे 10-5 मिनट रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ढक के आराम से रख सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए भी रख सकते हैं, तो इसको भी हम रख देते हैं। और जो हमारे बनाना है वो ले ले रहे हैं, और उसको हम करेंगे कट अपने मनपसंद स्लाइस में। कर सकते हैं आप, तो मैंने वॉश कर लिए हैं। और अब हम इसको पहले छीलेंगे। तो मैंने छील लिए हैं, और छीलने के बाद भी हम एक बार वॉश करने हैं। और अब हम इसके छोटे यानी पतले पतले स्लाइस करेंगे। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं कि टूट जाएंगे, थोड़े मोटे ही करेंगे। आप चाहें तो इसको गोल भी स्लाइस में कट कर सकते हैं, या इस तरीके से कट कर लीजिए। तो मैं स्लाइस कट कर रही हूँ। तो आप चाहें तो छोटे स्लाइस भी इस तरीके से कट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरीके से बड़े स्लाइस भी कट कर सकते हैं। अब जो हमारा बैटर है उसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये जो हमारा बनाने का स्लाइस है इसको हम इस तरीके से डिप करेंगे, और एक्स्ट्रा बेसन हम इसको इस तरीके से निकाल देते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं अपने स्लाइस को। तो इसी तरीके से हमें ये भजिया फ्राई करनी है। बहुत ही टेस्टी हमारा टी टाइम स्नैक्स है। तो ये मैं पलट देती हूँ एक तरह से सीखने के बाद, और इस तरीके से हम इसको दोनों तरफ से पलट देंगे, और अच्छी क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची हो जाएंगे। तो अभी हम इनको मीडियम फ्लेम पर सीखने देते हैं। तो अलट पलट करा हमने दोनों तरफ से, और एक क्रिस्पी हमारे जो बनाना भजिया बनकर तैयार हो गए हैं। तो निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म केले की भजिया बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी भी है। ऊपर से है क्रंची और अंदर से है सॉफ्ट, जिसको हम सर्व कर रहे हैं टमाटो केचप के साथ। आप हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स है, आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं। लेकिन खाने के साथ साथ आप मुझे बताइए कि ये कहाँ की फेमस रेसिपी है। बहुत ही फेमस है ये वाली रेसिपी, लेकिन कहाँ की है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। और सबसे ज़्यादा केला कहाँ पर उगाया जाता है ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आप इस तरीके से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।